जोहार सभी साथियों को, जोहार टू एवरीवन। आई थिंक आई विल स्पीक इन हिंदी बिकॉज आई सॉ सम मैसेजेस वेयर पीपल आर रिक्वेस्टिंग दैट वी शुड स्पीक इन हिंदी। साथियों, मैं पत्थलगाड़ी मूवमेंट के बारे में बात करना चाहता हूं, और आप लोग पत्थलगाड़ी आंदोलन के बारे में आपने सुना है। एक देशव्यापी मैसेज उस समय में चला गया था। यहाँ ये समझना है कि आखिर पत्थलगाड़ी आंदोलन क्या था। पत्थलगाड़ी आंदोलन बहुत सारांश में एक लाइन में समझने की कोशिश आप ऐसे कर सकते हैं कि ये एक ऑटोनोमस मूवमेंट है, और झारखंड ऑटोनोमस मूवमेंट के लिए जाना जाता है। झारखंड स्टेट के लिए ऑटोनोमस मूवमेंट हुआ था, उसके बाद ये एक एक गाँव के स्तर का ऑटोनोमस मूवमेंट है। अब इस ऑटोनोमस मूवमेंट में क्या हो रहा था कि हर एक गाँव का ग्राम सभा जो है पत्थल एक लंबा चौड़ा जिस स्टोन स्लैब जो बोलते हैं उस पत्थर को गाड़ते थे गांव के मुहाने पर, और उसमें मुख्यतः चार चीजें लिखी जाती थी। एक तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(3) का जो परंपरा रूढ़ी प्रथा को विधि का बल देता है, तो उसका व्याख्या लोग इस तरह कर रहे थे कि क्योंकि ग्राम सभा एक संवैधानिक बॉडी है जिसको संविधान ने अधिकार दिया है, रूढ़ी प्रथा को कानून का स्वरूप स्वीकार किया है, तो ग्राम सभा जो निर्णय लेगा उसको ग्राम सभा में लागू किया जाएगा। दूसरा चीज लिखा जाता था संविधान का अनुच्छेद 19 5 और 6 क्या है, लार्जली 19 में बात किया जाता है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति दुनिया देश का कोई भी हिस्सा में जा सकता है, रह सकता है, बस सकता है, वहां पे जो है कि व्यवसाय कर सकता है। लेकिन अगर 5 और 6 का आप बात करेंगे तो उसमें स्टेट को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना है, लेकिन स्टेट ने अभी आज तक नहीं लगाया। तो इसी को ग्राम सभा अपने तरीके से लिखा है कि इस एरिया में गैर रूढ़ी प्रथा वाले लोगों को घूमना फिरना मना है, और यहाँ पे रहना बसना या व्यवसाय करना मना है। उसके अलावा अनुच्छेद 244(1)(5) बेसिकली इसमें गवर्नर को 5वीं अनुसूची को लेकर अधिकार दिया गया है कि 5वीं अनुसूची का रक्षा उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन आप लोग जानते हैं इस देश में जितने भी अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य हैं वहां के गवर्नर ने क्या किया है ये किसी से छुपी नहीं है। महाराष्ट्र ही एक स्टेट है जहां गवर्नर ने कुछ किया था जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। अब ये भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, आखिर ये जो पत्थलगाड़ी के द्वारा आदिवासी लोग घोषणा कर रहे थे कि ये गाँव हमारा है, इस गाँव में आप आएंगे तो हमें जो है कि पूछिए, ग्राम सभा से पूछिए, उसके बाद ही आपको अंदर जाने की अनुमति होगी। अब इसके पीछे क्या तर्क है, इसके पीछे कारण क्या है, उसको समझना चाहिए। उसको स्टेट और मीडिया समझे बगैर इसको दनादन जो है कि जिस तरह से हवाबाजी आज मीडिया स्टेट के साथ मिलकर करते हैं उसी तरह इन्होंने किया। आप जानते हैं कि पूरे झारखंड में, अगर पूरा देश का बात ना करें तो पूरा झारखंड में आप देख लीजिए, जब से टाटा को बैठाया गया है उसके बाद आजादी के बाद भी आप देखेंगे तो विकास के नाम पर, राष्ट्रहित के नाम पर, जनहित के नाम पर हर एक जगह आदिवासियों का जमीन जो है कि पूरा का पूरा जमीन लेके वहां पे कहीं पे जिंदल नगर बसाने की, कहीं मित्तल नगर बसाने की, टाटा नगर आप जानते ही हैं, 24 आदिवासी गांव को जो है कि उन्होंने लूट लिया, उनको जो है कुछ ना मुआवजा दिया, कुछ नहीं दिया, आज टाटा नगर बस गया, वहां आदिवासी जो है कि 95% से घट के 5% में आ गए हैं। ये हालत रांची का है, हर एक जगह जो भी आदिवासी इलाका है, जो आदिवासियों का गांव था वह शहर बसा, आज आदिवासी गायब हो गए। जबकि यहाँ का कानून भी, जमीन का कानून बोलता है आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकते हैं। 5वीं अनुसूची के तहत जो है कि टेरिटोरियल राइट है आदिवासियों को, कि आदिवासियों के इलाके हैं। इस देश के की सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने भी जो है कि न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका, किन्हीं ने कोई मिलके आदिवासी क्षेत्रों को संरक्षण नहीं दिया। ये इसका पीछे है, मतलब इसका बैकग्राउंड में है। अगर तत्कालिक कारण आप देखेंगे तो पूंजीपतियों को झारखंड बनने के बाद लगातार यहाँ पे एमओयू हुआ है। बीजेपी की सरकार थी, अर्जुन मुंडा अकेले जो है कि 53 MOU किए, जो नेहरू का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया था। और उसके बाद लगातार एमओयू होते गए, जिंदल आ रहा है, टाटा आ रहा है, मित्तल आ रहा है, सारा का सारा पूंजीपति आ रहे हैं। उसके बाद में फिलहाल आप देखेंगे तो 2014 से जब बीजेपी की सरकार आई, गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि पहले इतना जमीन लूट नहीं पा रहे थे, तो एक षड्यंत्र के तहत आदिवासी बड़े नामों को जो है कि उन्होंने हटा दिया। आप सोचिए ना, मोदी लहर देश में चल रहा था लेकिन अर्जुन मुंडा यहाँ पे हार गए।
क्योंकि अर्जुन मुंडा मित्तल से तो एमओयू किए लेकिन मित्तल को बैठा नहीं पाए थे, तो पूंजीपतियों को लगा कि गैर आदिवासियों को, आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाइए, उसके बाद ही यहाँ पे जमीन हम लूट सकते हैं, खनिज संपदा लूट सकते हैं। उसके बाद जो है कि निरंतर एमओयू हुआ। जब रघुवर दास बैठे यहाँ पर तो शुरू में उन्होंने लैंड बैंक बना दिया, आदिवासियों का जितना सामुदायिक जमीन, चाहे वो खेती गाय बैल चराने वाला जगह हो या जंगल झाड़ जो वन अधिकार कानून के तहत आदिवासियों को अधिकार मिलना है, या उनका जो है कि सरना मसना धार्मिक जगह है, सामाजिक जगह है, सारा जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया। 21 लाख एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया ग्राम सभाओं को बिना पूछे। उसके बाद में है पूरे दुनिया का लोगों को बुलाकर यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, 11,000 पूंजीपति लोग झारखंड में जुटे 16-17 फरवरी 2017 को, और उसमें जो है कि 210 एमओयू हुआ। अब उस समय में फिर इन्होंने सीएनपी एसपीटी कानून को संशोधन कर दिया। सीएनपी एसपीटी कानून क्या है? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संताल परगना टेनेंसी एक्ट। इसके पीछे बहुत बड़ा लड़ाई है, हजारों आदिवासी अपने जान जो है कि गंवा चुके हैं। उसके बाद में वो कानून बना था आदिवासियों के जमीन छोटा नागपुर और संताल परगना का सुरक्षा करने के लिए, और ये दोनों कानून बोलता है कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकते हैं। और आपको मालूम होगा जब केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बना दिया 2013 में, तो उसमें कृषि जमीन को अधिग्रहण करना बहुत मुश्किल था, तो उसी से बचने के लिए इन्होंने सीएनटी एसपीटी कानून को संशोधन लाया और उसमें कृषि भूमि को गैर कृषि कर रहे थे। जब आदिवासी इसके विरोध में हम लोगों ने जमकर आंदोलन किया, केसेस हुए, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, मेरे ऊपर भी केस हुए। उसके बाद उस समय पुलिस फायरिंग हुआ, एक जो है कि हमारा खूंटी में एक आदमी मारा गया पुलिस फायरिंग में, उल्टे हमारे आंदोलनकारियों के ऊपर भी ही उसके उसको लेके केस किया गया। तो ये सारे चीज आए, उसके साथ साथ मोमेंटम झारखंड मैंने अपने आपको कहा, ये चीजें आए तो लगा लोगों को कि अब हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, जमीन इलाका लैंड टेरिटोरी और रिसोर्सेस ये सरकार और पूंजीपति मिलके कैसे भी करके लोग जगह लूट लेना चाहते हैं। इसीलिए ये पत्थलगाड़ी में ग्राम सभाओं ने तय किया, हम जो है कि मुहाने में एक पत्थर गाड़ेंगे और वहां साफ लिख देंगे कि कोई भी हमारा अनुमति से अंदर नहीं जाएगा। और इसी को लेके यहाँ का मीडिया जो है उसको बताया कि ऐसे गांव है झारखंड में जहाँ पे ना प्रधानमंत्री जा सकता है, ना राष्ट्रपति जा सकता है, ना मुख्यमंत्री, ना कोई। आप सोचिए आदिवासियों का जमीन लूट के टाटा नगर बनाया, यहाँ पे कितने कॉलोनी बन गए हैं, कितने अपार्टमेंट बन गए, वहां पे गार्ड बैठाते हैं ये लोग। जब हम लोग जाते हैं घुसते हैं तो अपना नाम पता सब कुछ देना पड़ता है, वहां पे जो है प्रवेश निषेध है, वहां प्रवेश निषेध लीगल है, लेकिन यही काम अगर आदिवासी बोलता है कि मेरे गांव में तुम आ रहे हो हमको पूछ लो, तो इन लोगों को दर्द होता है। तब इन्होंने कहा ये असंवैधानिक काम कर रहे हैं, ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर जो है कि इनको मुख्यमंत्री ने घोषणा किया हम इनको कुचल देंगे, हम इनको ये कर देंगे, हम उनको ये कर देंगे। उसके बाद में लगातार जो है आंदोलनकारी साथियों के ऊपर जो है कि केस दर्ज होना शुरू हो गया, और केस दर्ज किए, अगर आप बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, बस इसी काम के लिए लोगों ने क्या किया, हर एक गांव में पत्थलगाड़ी कर दिया, उसके बाद सम्मेलन किया, वहां घोषणा किया कि आपने हमारा जमीन लूटा है, आपने हमारा संसाधन लूटा है, हमको कुछ नहीं दिया, हमारा खनिज संपदा है, अब जो सरंडा जंगल में चले जाइए। 1925 से वहां खनिज संपदा निकाला जा रहा है विकास के नाम पर, लेकिन आज भी आदिवासी के बच्चे जो है वहां पे मालनरिस्ट है, वहां जो लगभग 80% महिला जो है खून कमी से जूझ रही। क्यों भाई? जबकि सरंडा में आज भी लगभग 3,000 करोड़ से ज्यादा का हर साल खनिज संपदा आयरन और निकाला जा रहा है, ये एक उदाहरण है। तो आदिवासियों के साथ जिस तरह से ये अन्याय कर रहे हैं, सारा खनिज संपदा विकास के नाम पे लूट के लेके जा रहे हैं, उसके साथ साथ जमीन जो है कि ले लेते हैं विकास के नाम पर, कहीं राष्ट्र हित के नाम पे, जनहित के नाम पे, हम कहाँ है भाई, हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा है, उस विकास में हम कहाँ है, उस जनहित में आदिवासी कहाँ है, उस जो है कि राष्ट्र हित में आदिवासी कहाँ है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो सारा कुछ लेके जा रहे हैं, और जब आदिवासी आवाज उठाता है तो उसको बोलता है ये देशद्रोही का काम कर रहा है। तो उसके बाद निरंतर आदिवासियों के ऊपर जो है कि केस होने लगा। अब ये केस आप देखेंगे तो जून 2017 से लेकर जुलाई 2018 तक तीन जिला, क्योंकि खूंटी जिला का केंद्र में पत्थलगाड़ी आंदोलन था, और उसके एडजोइनिंग जिला सरायकेला खरसावां एक जिला है, और पश्चिम सिंहभूम और एक जिला, तो ये तीन जिला के इर्द गिर्द हुआ था। तो ये पूरे तीन जिले में कुल 30 मुकदमे दायर किए गए आदिवासियों के ऊपर। आप
ये 30 मुकदमों में 21 मुकदमे जो है उसमें सेडिशन चार्ज लगाया गया धारा 124A। अब इसमें अगर लोगों की संख्या आप देखेंगे, हालांकि बहन अंजलि ने कहा 10,000, ये 10,000 आंकड़ा सिर्फ खूंटी का है, खूंटी और सरायकेला खरसावां दो जिले में देशद्रोह के मुकदमे हुए। बेसिकली टोटल आप देखेंगे तो 11,109 लोग जो हैं जिनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हुआ। मैं नहीं समझता हूं कि भारत देश में, आजाद भारत में इतने ज्यादा लोग जो हैं जिनके साथ एक साथ देशद्रोह का मुकदमा हुआ होगा। लेकिन आपने देखा कभी कोई संसद में चर्चा नहीं हुई, हमारे 47 MP लोकसभा में गए हैं, कभी उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाया, क्योंकि वो पार्टियों के गुलाम बन चुके हैं, वो अलग अलग विचारधाराओं के गुलाम बन चुके हैं। भले वो आरक्षण सीट से जाते हैं, वो हमारे हैं नहीं। तो इतने बड़े, आप सोचिए 11,109 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ और पूरे देश में अगर हंगामा नहीं मचेगा तो क्या होना चाहिए। इसमें 319 लोग जो है वो नामजद हैं, बाकी जो है कि नामजद नहीं है, लेकिन पुलिस किसी को भी घर से पकड़ के लेके जा रही है। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ 319 नामजद है उनके ऊपर ही कार्रवाई हुई। अब जो चार्जशीट हुआ उसमें 138 लोगों पर चार्जशीट किया गया, 94 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से बहुत सारे लोग जेल में रहे, कोई तीन महीना, कोई 6 महीना, कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल तक लोग जेल में रहे। 3,192 लोगों को जो है कि फरार घोषित किया था पुलिस ने। अब इन लोगों पर क्या आरोप लगाया गया? आरोप लगाया गया कि ये लोग भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं और सरकारी व्यवस्था को नकारते हुए गांवों में पारंपरिक ग्राम सभाओं का शासन स्थापित करना चाहते हैं, असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। आरोप यही आरोप है। आप सोचिए अगर ये हम कहें कि ग्राम पारंपरिक ग्राम सभाओं का शासन स्थापित करना चाहते हैं, ये असंवैधानिक अगर इनको लगता है, ये देशद्रोह का काम है, तो फिर पेशा कानून भारतीय संविधान ने क्यों पारित किया है? पेशा कानून जब पारित किया गया था तो यही कहा गया कि आदिवासियों का जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसी को संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है। उसी के बाद आप याद करते होंगे डॉक्टर बीडी शर्मा और कई एक लोग पूरे देश के अलग अलग पांचवी सूची अनुसूचित इलाकों में पत्थलगड़ी किया उन लोगों ने, ये कहते हुए कि आदिवासियों के ग्राम सभाओं को पारंपरिक अधिकार मिल गए हैं, उसको संवैधानिक दर्जा दिया जा चुका है। तो आप सोचिए कि एक तरफ संवैधानिक दर्जा देने की बात होती है, कानूनन दिया गया है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वही जो है वो असंवैधानिक है, वही देशद्रोह का काम ग्राम सभाएं कर रहे हैं। अब थोड़ा केस की मौजूदा स्थिति पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं, उसमें क्या हो रहा है। आपको मालूम होगा जब ये 10,000 वाला मामला खासकर खूंटी डिस्ट्रिक्ट का अखबारों में आया, तब यहाँ के जो विपक्षी पार्टियां थे, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, उनको लगा कि शायद ये मामला जो है कि उठाएंगे तो ये कुछ उनको उनका काम आएगा, और साथ ही साथ जितने हमारे जैसे लोग और भी दूसरे संगठन के लोग हैं वो सारे निरंतर आवाज उठाते रहे हैं। उन पॉलिटिकल पार्टियों को भी हम लोगों ने कहा कि आपका इलेक्शन एजेंडा में ये मैटर होना चाहिए पत्थलगड़ी का, अगर आप इसको वापस लेंगे तो हम लोग जो है कि आपको निश्चित रूप से वोट देंगे। तब उन्होंने इसको बजाते अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम लोग अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पत्थलगड़ी में जितने भी केस हुए हैं वो सारे केस वापस कर देंगे। इनकी जब सरकार बन गई तब मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने घोषणा, ना सिर्फ घोषणा किया बल्कि उनकी पहली कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें उन्होंने निर्णय लिया कि जितने भी पत्थलगड़ी के केस हुए और सेम केस स्पीति मूवमेंट में जितने केस हुए हुए था हम लोगों के खिलाफ में, वो सारे केस जो है कि वो वापस ले लेंगे। लेकिन एक साल तक हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे लगातार, उसमें कुछ काम प्रगति पर नहीं हो रही थी। तब निरंतर जो है कि जन संगठन, मानवाधिकार संगठन, एक्टिविस्ट जैसे यहाँ पे झारखंड जनाधिकार महासभा एक ग्रुप है काफी बड़ा, उन लोगों ने काफी व्यापक तरीके से उठाया, हम भी उसके पार्ट है। फिर हम लोगों का खुद का झारखंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो लगातार उठाते रहे और संगठन भी उठाते रहे। तो ये जन और आदिवासी महासभा जिसने पत्थलगड़ी आंदोलन को प्राइमरीली मूव किया है, आदिवासी महासभा ने खुद भी इस मामले को उठाया अपने तरीके से। उसके बाद सरकार हरकत में आई और लगभग एक साल तक, हालांकि थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ा, लेकिन एक साल बीतने के बाद फिर वही हालत। फिर दूसरा साल हम लोगों ने और ज्यादा तेजी से आवाज उठाना शुरू किया, क्योंकि बीच में ऐसा परिस्थिति बन गया था
कि भाजपा जो है कि आज की जो सरकार है झारखंड में उसको ज्यादा दिन रहने नहीं देगी, कुछ भी करके वो गिरा देंगे। उसके बाद ये सरकार गई तो फिर दोबारा जो है कि वो पत्थरगाड़ी वाला जितने मामले वो वापस ले लेंगे, तो हमारे लोग और बहुत परेशान हो जाएंगे। तब हम लोगों ने इसको निरंतर प्रयास किया, आज कुछ स्थिति अच्छी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 30 में से सरकार ने अब तक 19 केस को वापस ले लिया है। अभी उसमें से जो है 17 ऐसे मामले हैं वो देशद्रोह के मामले हैं, और एक मामला है जिसमें देशद्रोह का मामला वापस उन्होंने किया है, लेकिन अभी भी 4 ऐसे मामले हैं। हाँ, लेकिन उसे एक चीज मैंने छोड़ दिया, उससे पहले मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि सरकार हेमंत सोरेन सरकार ने कमेटी बनाया था तीनों जिला में कि इन कौन कौन से मामले हैं जिसको वापस किया जाता है, किसको नहीं किया जाना चाहिए, कमेटी को देखना चाहिए। तो कमेटी ने रिकमेंड किया, जिसमें तीनों जिला के कमेटी में ने 30 में से जो है कि 19 मामलों को वापस करने के उन्होंने रिकमेंड किया था, और 7 मामलों में ये आपका सेक्शन 141A और 124A हटाने की सिफारिश की थी। लेकिन फिर जन संगठनों का मैंने आपको कहा कि लगातार दबाव हुआ, उसके बाद कुल 30 मामलों में से 23 मामलों को वापस ले लिया गया। सॉरी, मैं 19 रिकमेंडेशन था कमेटी का, उसको मैंने बोला था 30 मामलों में से 23 मामलों को वापस ले लिया गया है, जिसमें 16 मामले जो हैं देशद्रोह के संबंधित है, जैसे कि 21 मामले थे कुल, उसमें से 16 को वापस ले लिया गया है। तो उसमें से एक ऐसा मामला है जिसमें हटाया है, मतलब देशद्रोह का मामला हटाया, तो उसको 17 आप गिन सकते हैं, लेकिन उसका पूरा केस वापस नहीं लिया है, इसलिए मैंने 16 ही कहा है, उसमें से देशद्रोह का मामला हटाया है। अभी 4 मामले जो है कि पेंडिंग है, जो कोर्ट में लगातार चल रहा है, उसमें वो लोग कुछ नहीं बोलने की स्थिति में है, और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो टोटल 7 मामले जो है, मतलब ऑल टुगेदर, सिर्फ देशद्रोह का नहीं, देशद्रोह का 4 मामले पेंडिंग है, लेकिन टोटल पत्थलगाड़ी का बोलेंगे तो 7 मामले अभी भी पेंडिंग है, जो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उस पर कुछ काम होगा, और हम लोग प्रेशराइज कर रहे हैं। अब मैं बस खत्म करता हूं ये बताते हुए आपको कि पीड़ितों की हालत को भी हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए कि ये जो लोग जेल में थे, मैं अभी निरंतर हर एक पीड़ित से बात कर रहा हूं, ये लोग जो है, जो लोग 3 साल 4 साल जेल में थे, लगभग 3 साल 3.5 साल, और एक एक आदमी पर किसी पर 7 केस है, किसी पर 8 केस है। अब ये लोग जो है, अधिकांश लोग पूर्ण रूप से वो डेट ट्रैप में फंस गए हैं। डेट ट्रैप में कैसे फंसे हैं, उन्होंने जेल में से बेल लेने के लिए जमीन बंधक रखा है, कहीं मवेशी बेचा है, कहीं पर जो है कि पेड़ बेचा है, कोई कोई जो है अपना रिश्तेदारों से, गाँव से, संबंधियों से लोन लिए हैं, तो कोई मतलब लाखों में है, किसी के पास 1.5 लाख का कर्ज है, किसी के पास 1 लाख रुपए का कर्ज है। तो आप इमेजिन कीजिए कि वो लोग कितने कैसे, कितना मुश्किल दिन उनको ये सब चुकाने के लिए लगेगा, और इतना दिन वो लोग जेल में खटे हैं, उनका परिवार बहुत सारे, खुद एक व्यक्ति जो अर्निंग था वो जेल में चला गया, तो उनको और डेली, मतलब एक एक गाँव के लोगों को आप सुनेंगे तो आपको आंसू बहेगा कि कोई कोई लोग तीन तीन महीने जून जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में टेंट लगा के जंगलों में रहे हैं, क्योंकि पुलिस उनका पूरा गांव का गांव घेर के रखा है, कहीं हर दिन आ रहे हैं पकड़ने के लिए। क्योंकि समय नहीं है इसलिए मैं इसमें ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस मैं इतना कह खत्म करना चाहता हूं, ऐसे प्रतीत होता है कि देशद्रोह का मुकदमा को जो है खासकर एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत घुमाया जा रहा है, इसका मिसयूज किया जा रहा है। जैसे आप, हाँ, इसमें और एक केस है जो हमारे साथियों पर हुआ है, जो खासकर एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, कुछ लोग युवा हैं, और आप हंसिएगा ये सुनकर कि कुछ हमारे ऐसे युवा साथी हैं जो जिन्होंने मेरा फेसबुक पोस्ट जो पत्थलगाड़ी पर लिखा हुआ है उसको उन्होंने फॉरवर्ड किया, और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो गया है। तो एक तरह से युवाओं को डराना धमकाना कि आप आवाज मत उठाओ, दूसरे तरह से आप बताइए, एक कोई पार्टी की हो, बीजेपी की सरकार आती है वो देशद्रोह बोलती है, कांग्रेस और जेएमएम की आती है वो कहते हैं देशद्रोह का नहीं है। मतलब आप क्या, हमें पॉलिटिकल गेम हम फुटबॉल बना के रखे हैं, फुटबॉल समझ के रखा है, तो ये इसको खत्म करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चल सकता है। साथियों, आप लोगों ने मौका दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोई सवाल होगा तो जरूर लेंगे। धन्यवाद, जोहार।